नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड मामले में अपराधियों के घर पुलिस ने चस्पा किया इस्तेहार, कहा 15 दिनों में नहीं हुए हाजिर तो होगी कुर्की की कार्रवाई। छात्रावास की जर्जर चार दीवारी को लेकर आईसा ने विश्वविद्यालय में किया विरोध प्रदर्शन, कहा मांग नहीं पूरी हुई तो करेंगे उग्र आंदोलन। नवगछिया में बाइक सवार दंपत्ति को टैंकर ने मारी टक्कर, मां बेटी की हुई मौत, पति की हालत गंभीर। काजवली चक बम धमाके में मृतक के परिजनों को नहीं मिला मुआवजा, डीएम ने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लगी है रोक। और महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की मनाई गई जयंती। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सूर्यलोक कॉलोनी में दो माह पूर्व प्रॉपर्टी डीलर अमरेंद्र सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी करकू यादव अब तक पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है, जबकि पुलिस अपराधी करकू यादव की गिरफ्तारी को लेकर उसके सभी संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं इसको लेकर गुरुवार को बबरगंज पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ न्यायालय से जारी इस्तेहार को समाज के लोगों की मौजूदगी में आरोपी के घर पर चस्पा दिया, जिसमें आरोपियों को 15 दिनों के अंदर कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले को लेकर सिटी एसपी सुनप्रभात ने कहा कि आरोपियों द्वारा आत्मसमर्पण नहीं करने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में गुरुवार को छात्रावास में चार दीवारी की मांग को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के खिलाफ नारेबाजी कर उनका पुतला भी दहन किया। दरअसल विश्वविद्यालय की चार दीवारी टूटी हुई है। छात्रों का कहना है कि आए दिन चोरी की घटना के साथ कई तरह की परेशानी होती रहती है, जबकि चार दीवारी नहीं होने के कारण वे लोग हॉस्टल के भीतर असुरक्षित महसूस करते हैं। साथ ही कहा कि हॉस्टल की जर्जर हालत भी अब तक ठीक नहीं हो पाई है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि आवेदन देने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों को अनुसुना करती है और टालमटोल की स्थिति बनी हुई है। पीजी गर्ल्स हॉस्टल की चार दीवारी टूटी होने के कारण रात के अंधेरे में बदमाश घुस जाते हैं, जिसको लेकर छात्राओं ने कुलपति को कई बार आवेदन दिया, लेकिन अभी तक हॉस्टल की चार दीवारी की मरम्मत ही नहीं हुई है। साथ ही अविलंब इसकी मरम्मत कराने की मांग करते हुए कहा कि अगर जल्द काम नहीं हुआ तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर आईसा के छात्र नेता मौजूद रहे। विद्यालय के जवाहरलाल कुलपति जो है लगभग चार महीना कुलपति आने से हो गया है, लेकिन विश्वविद्यालय में कहीं छात्रों के हित में काम दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग सभी हॉस्टल जर्जर है, बिल्डिंग छतें गिर रही है, चार दीवारी भी टूटा हुआ है, चार दीवारी पे गोईठा पत्र है। विश्वविद्यालय कुलपति को कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है और दीवार गिर जा रही है, बदमाश हॉस्टल घुस जा रहा है और मोबाइल छात्रावास से चोरी कर लेता है। लड़की छात्रावास में अभी हाल फिलहाल में घुसा है और विश्वविद्यालय के कुलपति आवास से भी बैटरी चोरी हो जा रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय इस पर कोई सूद बयान नहीं ले रहे हैं। इसीलिए हम लोग खिलाफ में अपना बुक है कि विश्वविद्यालय के जितना भी बिल्डिंग है जंजर है उसकी मरम्मत जल्द से जल्द कराए, नहीं तो आज उसके खिलाफ में हम लोग पुतला फूके। अगर नहीं विश्वविद्यालय कराएगी तो हम लोग चरमबंद आंदोलन करेंगे। नवगछिया गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया काली मंदिर के समीप डिमहा की ओर से आ रही शौचालय टंकी साफ करने वाली ट्रैक्टर ने एक खड़ी मोटरसाइकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला और एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मृतका का पति भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतका की पहचान रुपौली थाना क्षेत्र के झाली गाँव निवासी पंकज ठाकुर की 25 वर्षीय पत्नी आरती कुमारी और 2 वर्षीय पुत्री रेखा के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बुधवार को मृतिका अपने पति और बच्ची के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर झालरी से डिमहा अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी, तभी अभिया काली मंदिर के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रंकर ने जोरदार ठोकर मार दी। वहीं इस दौरान वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर चालक को दबोच लिया, जिसके बाद उसकी पिटाई कर स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया। इधर मामले की सूचना मिलते ही गोपालपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई।
भागलपुर के काजवली चक में 3 मार्च की रात हुए जोरदार धमाके की चपेट में आए मृतकों के परिजनों एवं घायलों को मुआवजा देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि 27 मई को एनजीटी द्वारा मृतकों के परिजनों को 20 लाख और घायलों को 10 लाख मुआवजा देने की बात कही गई थी। वहीं मुआवजे पर रोक के बाद धमाके में मारे गए लोगों के परिजन में हताश छा गई है। वहीं मुआवजे पर रोक के बाद धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों में मायूसी छा गई है, जबकि मामले में दोषियों के घरों के साथ कई निर्दोष लोगों का भी घर जमींदोज हो गया था, जबकि कई निर्दोष की भी जान चली गई थी। वहीं इसको लेकर परिजनों का कहना है कि वे लोग निर्दोष हैं और मृतक राजकुमार और राहुल के घर का आधा हिस्सा ध्वस्त हो गया, जबकि किसी तरह बांस के सहारे आधे हिस्से को बचाकर जीवन यापन किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जो भी दोषी हैं उसकी संपत्ति जब्त कर सरकार निर्दोष लोगों को मुआवजा दे। वहीं इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा इस आदेश का विरोध करते हुए राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई और सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दायर की गई थी। डीएम ने कहा कि इस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी को प्रोफॉर्मा पक्ष के रूप में लेते हुए प्रतिवादी की सूची से हटा दिया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है। बता दें कि 3 मार्च 2022 की रात कोतवाली थाना क्षेत्र के काजवली चक में जोरदार धमाके में कई घर जमींदोज हो गए थे, जबकि इस घटना में 15 लोगों की मौत भी हो गई थी। बस्तर तक ने बचा मेरा, सब कुछ चला गया। हम लोगों को करोड़पति नहीं है, हम कमाने खाने वाले हैं। बाहर बितार कमा के बाल बच्चा का अपना सब कोई परिवार मिलजुल के अपना खुशी से रहते थे। लास्ट में किनको खोए थे आप? पति खोया है, घर मकान सब कुछ खत्म हो गया। हमारा भाई यहाँ पर खाना खा रहे थे, दुकान से आ करके जो है चाय बेचते थे, नाश्ता का दुकान था वो, अपना बेटा के साथ जो है भतीजा के साथ जो है बैठ करके यहाँ पर खाना ही खा रहे थे। जो एक बार ऐसा 11:30 बजे रात में धमाका हुआ, जो कि वो छत का मलबा गिर करके वो दब करके मर गए, दब के खाते खाते मर गए। उनका बेटा जो है हॉस्पिटलाइज हो गया, उससे उसका गैस से भर, उसका बारूद गैस से भर करके जो है उनका जो है मतलब कि डेट कर गया। और डेट करने के बाद जो है वो जो है मेरे घर से छे वो जो है एक तरह लाइन के तरह जो है बारिश हो गया मेरे घर से एकदम। माननीय एनजीटी ने आदेश किया था, उसमें मेरा अपीयरेंस भी हुआ था ऑनलाइन, हम लोग अपीयर हुए थे और हम लोगों ने अपना पक्ष रखा था। उसमें माननीय जो एनजीटी की पीठ है उन्होंने आदेश दिया था मुआवजा का, उसके विरुद्ध हम लोगों ने राज्य सरकार को लिखा और वहाँ से जो है हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का निर्देश मिला। तो उसी क्रम में मेरे द्वारा एसएलपी वहां दायर की गई अभी लास्ट मंथ ही, और उस मामले को हम लोगों ने परसू किया और फिर जो है वहां से माननीय उच्चतम न्यायालय से हम लोगों को उसमें स्टे मिल गया। अभी उसमें आगे और सुनवाई होनी है, तो जो मुआवजा देने वाली बात जो थी उसमें जो है स्टे मिला हुआ है, और चूँकि मामला सब जुडिस है, विचाराधीन है, तो इस पर और फर्दर कोई कॉमेंट मेरे स्तर से। देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जयंती के अवसर पर भागलपुर के आनंदराम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर में राष्ट्रीय गणित दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों के बीच गणित दौड़, पहाड़ा सम्राट एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शामिल सभी छात्रों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत भी किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने कहा कि जयंती मनाने का उद्देश्य महापुरुषों की कृतियों को आत्मसात करना है, साथ ही उन्होंने गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन से प्रेरणा लेते हुए क्लास में सवाल जरूर करने की बात कही। रामानुजन की जिज्ञासा, उत्सुकता और गणित में अभिरुचि इतनी थी जिसके कारण सिर्फ 32 वर्ष की आयु में उन्होंने 4000 थ्योरम दे दिया। मौके पर गणित इवेंट में चार्ट पेपर पर गणित संबंधी प्रदर्शनी भी लगाई गई, जबकि विद्यालय के आचार्यों ने भी श्रीनिवास रामानुजन के द्वारा गणित के क्षेत्र में किए गए कार्यों का विस्तार से चर्चा किया। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। नाम है रेखा देवी, खगड़िया जिला को रहने वाले हैं, और मैं हमको 1 साल से शुगर था, तो कोई आदमी बताया कि जाइए भागलपुर में डॉक्टर है एक राय, तो यहाँ आए तो दवाई दिए डॉक्टर साहब, तो 8 दिन में ठीक होने लगे। अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं, शुगर नहीं घट रहा था और मेरा पेशाब में जलन था, तो वो सब ठीक हो गया। 3 महीना से दवाई चल रहा था, 3 महीना दवाई खाए और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अब दवाई नहीं खाते। सब चीज़ खाने का बाद अभी रिपोर्ट ठीक है, सब चीज़ खाते हैं, खाना
जो होता है फल फ्रूट दाल चावल सब खाते हैं, अभी ठीक हैं। हम दवाई नहीं खाते हैं, दवाई बंद है। मैं मोहम्मद नूर आलम, मैं दामोदरपुर मुजफ्फरपुर से हूँ। मैं करीब 5 साल से डायबिटीज का शिकार था, जो मैं डॉक्टर साहब को पता चला बर्दियाँ आयुर्वेद से इलाज करते हैं और इनका कहना था कि मैं सदा के लिए ठीक कर दूंगा। तो हम लोग नौशाद भाई के माध्यम यहाँ आए, जो हमें काफ़ी लाभ हुआ। 2.5-3 महीने में मेरा कंप्लीट हो गया और मैं अभी आया हूँ तो सारा चीज़ खाकर, मीट खसी मीट मटन भी खाकर चेक किया है, तो अब मेरा डायबिटीज़ 146 है। अब मैं बिल्कुल कंप्लीट हूँ, हर चीज़ मैं खा रहा हूँ। मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूँ, मैं अभी बहुत खुश हूँ। पहले मैं काम करता था तो बहुत वीकनेस सा महसूस होता था, अब उस तरह का वीकनेस हमको नहीं लगता है। अब बेहिचक हम कोई भी काम कर लेते हैं। फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवगछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत डिमांड पंचायत के बोचाही गांव के स्पर संख्या 2 और 3 के बीच अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की गई, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वहीं इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि नरेश मंडल के पुत्र विकास मंडल के घर में अचानक आग लगने से घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया, जबकि घर में रखा सामान और कई बकरियां भी जल गई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। भागलपुर के प्राइवेट स्कूलों में गुरुवार से बड़े दिन की छुट्टी शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर कई स्कूलों में क्रिसमस को लेकर वार्षिक समारोह मनाया गया। वहीं इसको लेकर भीखनपुर स्थित स्टेपिंग स्टोन स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन की प्रस्तुति हुई। इसके बाद स्कूल की संचालक रूबी सहाय और शिक्षिकाओं के द्वारा बच्चों को पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन किया गया। वहीं कार्यक्रम को लेकर स्कूल की संचालक ने बताया कि स्टेपिंग स्टोन स्कूल जिले का एकमात्र ऐसा पुराना किड्स प्ले स्कूल है, जहां स्मार्ट सिटी की तर्ज पर आधुनिक तरीके से पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर ने भी बच्चों को शुभकामना देते हुए कार्यक्रम में दी गई प्रस्तुति के लिए सराहना की। मौके पर स्कूल के संचालक रिटायर्ड कर्नल अजीत सहाय, वरिष्ठ शिक्षिका पुष्पा घोष समेत कई शिक्षक शिक्षिका एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये वार्षिक महोत्सव है स्टेपिंग स्टोन स्कूल का। स्टेपिंग स्टोन स्कूल आप जैसे देख सकते हैं बिहार का सबसे बड़ा प्री स्कूल है। यहाँ क्लासेस किंगडम से लेके प्री नर्सरी, नर्सरी के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, और जिसमें कि बहुत सारे नृत्य थे, प्ले एक्ट्स थे,
लघु कहानियों को एक वन एक्ट प्लेज में दिखाया था, जिसमें स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत का शुरू किया है, तो उसके ऊपर एक प्ले एक्ट था, फ्रेंडशिप के ऊपर था, ग्रैंड पेरेंट्स दादी अम्मा मान जाओ प्ले एक्ट था, और बहुत सारे बॉलीवुड और राइम्स पे बच्चों ने डांस का शो रखा था। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल अंचल के इकचारी एवं साधोपुर मौजा से रिश्वतखोरी करने का मामला सामने आया है, जहां एक दलाल द्वारा ग्रामीणों से मोटेशन और रसीद कटाने के नाम पर लगभग 1,00,000 रुपए की ठगी कर ली गई। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीण रवि भूषण, अनिल यादव, आदित्य आर्यन और सच्चिदानंद ने बताया कि दलाल सत्यम सिंह द्वारा उन लोगों से मोटेशन एवं लगान रसीद के नाम पर लगभग 1,00,000 रुपए की ठगी कर अब तक काम पूरा नहीं किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि आजकल बोलकर दलालों द्वारा टाल मटोल किया जाता रहा, जबकि उन लोगों के द्वारा फोन करने पर भी रिसीव नहीं किया गया। वहीं गुरुवार को अंचल कार्यालय में दलाल पर नजर पड़ते ही कुछ ग्रामीणों ने उसे पकड़कर बंधक बना लिया और अपने पैसे वापस करने की मांग की गई। इधर ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद दलाल सत्यम सिंह वहां से मौका देखकर फरार हो गया। घटना को लेकर सीओ राम अवतार यादव ने बताया कि मोटेशन करने में कोई पैसा नहीं लगता है और किसी को भी ऐसे कार्य के लिए दलाल के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। 58 डिसमल क्या जमीन रबड़ है जो बाढ़ता है? अच्छा, सत्यम सिंह जो है, हाँ, वो कर्मचारी है कि सीओ साहब है? कौन है? ये बोला कि हम ही कर देंगे सब चीज, हम कर्मचारी है, हम ही सब कर देंगे। अच्छा, जाने का कोई भैया आपको वहाँ जाने का कोई जरूरत नहीं, हम ही सब जमाबंदी मेरे पास है, हम यही दिखा दिया जमाबंदी, हम सोच लिया विश्वास करके बस इसको पैसा दे दिए। परिमार्जन हमारा पीछे अभी भी जीरो दिखा रहा है, दिखा देते परिमार्जन 134 खाता देखिए ना, हम मुंह बंद कर रहे हैं। भागलपुर में बार बालाओं के साथ एक मुख्य प्रतिनिधि के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह में बार बालाओं के साथ डांस कर रहे यह मुखिया कहलगांव प्रखंड के एढारा पंचायत के पप्पू शाह हैं, जो अपने दोस्त के शादी समारोह में शामिल होने वहां पहुंचे थे। बार बालाओं के साथ नशे में धुत मुखिया साहब स्टेज पर चढ़े और फिर क्या था, शुरू कर दी बार बालाओं पर पैसों की बौछार और साथ में खूब ठुमका भी लगाया। वहीं कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। हालांकि लोगों के बीच चर्चा है कि वहां पर दर्जनों लोगों ने शराब का सेवन किया था। हालांकि सिल्क टीवी इस वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड मामले में अपराधियों के घर पुलिस ने चस्पा किया इस्तेहार, कहा 15 दिनों में नहीं हुए हाजिर तो होगी कुर्की की कार्रवाई। छात्रावास की जर्जर चार दीवारी को लेकर आईसा ने विश्वविद्यालय में किया विरोध प्रदर्शन, कहा मांग नहीं पूरी हुई तो करेंगे उग्र आंदोलन। नवगछिया में बाइक सवार दंपत्ति को टैंकर ने मारी टक्कर, मां बेटी की हुई मौत, पति की हालत गंभीर। काजवली चक बम धमाके में मृतक के परिजनों को नहीं मिला मुआवजा, डीएम ने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लगी है रोक। और महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की मनाई गई जयंती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।